गाइस बस इतना हुआ ना कि कोरोना का थर्ड वेव मत शुरू हो जाए, वरना जितनी भी एक्साइटमेंट है ना ऑफ इंटर से शुरू होने की सब खत्म हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभय श्रीवास्तव ब्लॉग्स इन अ न्यू ब्लॉग। एंड अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एलपीयू रीओपनिंग सीरीज एज यू वुड हैव ऑलरेडी गेस्ड बाय नाउ बाय माय टाइटल एंड आल्सो द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब एक तो ऐसे ही मेरे चैनल पे इतने कम कमेंट्स आते हैं और उस कमेंट्स में भी मोर देन 50% कमेंट्स सिर्फ यही हो रहे थे कुछ दिनों से कि प्लीज डेट बताओ कब खुल रहा है यार, क्या डेट है या क्या अपडेट्स हैं, एलपी वाले कहीं बेवकूफ से नहीं बना रहे, खोलेंगे नहीं खोलेंगे। मतलब जितने भी कमेंट्स आते थे उसमें मोर देन 70% कमेंट्स तो यही होते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट कर दूं क्योंकि यस फाइनली आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। एंड अगर आपने रजिस्टर किया था पहले तो आप लोगों को मालूम चल चुका होगा अब तक कि लाइक आफ्टर द मिड टर्म, आप मिड टर्म के बाद से आप लोगों की लाइक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। सो अगर मिड टर्म की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन द मिड अक्टूबर, सो 15-20 अक्टूबर के टाइम पे ये लाइक मिड टर्म हो जाएगा। सो रूल ये अभी लाइक अनाउंसमेंट के थ्रू हमें ये पता चला है कि मिड टर्म होने के बाद जो मिड टर्म का लाइक मिड टर्म होने के जस्ट एक वीक के बाद जिन्होंने भी रजिस्टर किया और ऑप्ट किया ऑफलाइन क्लासेस के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है एंड एक वीक के लिए उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा हॉस्टल्स में। तो ये है वो फर्स्ट फेज वालों के लिए। उसके अलावा जब वो एक वीक के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे फिर लाइक जिन्होंने इस ऑप्शन में लाइक रजिस्टर किया था कि वो अपनी लाइक जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं या फिर जो अकोमोडेशन की फैसिलिटीज हैं वो खुद का करेंगे, विच मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द कैंपस हॉस्टल्स। तो अगर एक वीक का जब उनका क्वारंटाइन होने लगेगा उसके बाद उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने लाइक हॉस्टल ऑफ नहीं किया उनको अपडेट चला जाएगा एंड नाउ दिस इज हाउ दे कैन लाइक गो ऑन विद द फेज वन। नाउ ये तो हो गया जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ रजिस्टर। अब आगे की अपडेट ये है कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं लिया था बट अब वो लाइक फुली वैक्सीनेटेड, विच मीन्स दे हैव डन विद द बोथ द डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। सो 20 सितंबर से पहले 20 सितंबर से पहले जिन लोगों ने अपना दोनों वैक्सीनेशन का डोज ले लिया और वो लोग फॉर एग्जाम्पल वो लोग एलिजिबल नहीं थे फर्स्ट फेज में बट नाउ दे आर एलिजिबल, सो या उन्हें भी सेम पॉलिसी फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है। वो है कि आपको अपनी यूएमएस पे जाना है, वहां से आपको एलएमएस पे जाके पोलिंग फॉर हाइब्रिड मोड का जो ऑप्शन आता है उस पर आपको अपना ऑप्शन फिल करना है, रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको वो भी ऑप्शन मिलेगा कि आप हॉस्टल ऑप्ट करोगे या कि आप करोगे एंड फिर जो भी कंफर्मेशन होगा वो आपके आपको यूएमएस मैसेजेस सेक्शन में मिल जाएगा। और ये इस ऑप्शन के लिए आपके पास जो डेट और जो टाइम लिमिट मिला है वो है 15 सितंबर से 20 सितंबर तक। सो 15 सितंबर विच मीन्स ऑलरेडी पोर्टल खुल चुका है तो आपको रजिस्टर करना तो जल्दी से जल्दी करो और 20 सितंबर इज गोना बी द लास्ट डेट। सो यस, फिर अगर आप लोगों की जैसे भी अपडेट होंगी तो उसके हिसाब से आप लोगों के पास मैसेज आएगा कि आप लोग की कब से क्लासेस ऑफलाइन शुरू होंगी। सो या ये था आज, मतलब यही था न्यूज, कुछ ज्यादा था नहीं। और अगर आपको जानना है कि कैसे ऑप्ट करना है, कैसे लाइक फिल करना है आप लोगों को पोलिंग, तो जो भी लाइक इस सीरीज के जो भी पहले वाले वीडियो है आप लोग एक या दो वीडियो पहले का भी देख लो पता चल जाएगा, और नहीं तो लिख देना कमेंट में, मैं बता दूंगा। एंड या दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट इट। और आगे वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, प्लीज एंजॉय करो अपने कॉलेज लाइफ को, बहुत मस्ती करना, कॉलेज लाइफ इज सो मच फन, हॉस्टल लाइफ इज सो मच फन। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो भी कर रहे हो एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज हु आर डूइंग द क्लासेस फ्रॉम देयर होम। एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, अगर हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो यस दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।